ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर बेशक आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये जाति भीड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फूलों की वर्षा क्यों कर रही है। रमजान का समय चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के रोजे चल रहे हैं और इसी के चलते हर हफ्ते की तरह रमजान में मुस्लिम युवक मस्जिद के सामने जुमे की नमाज पढ़ रहे थे और इसी बीच या कहें कि जुमे की नमाज के दौरान ही उसी के आगे से निकलने वाली खाटू श्याम जी की पद यात्रा जा रही थी, जिसके बाद जुमे की नमाज देखकर खाटू श्याम की पद यात्रा में शामिल भक्तों ने अपने डीजे और ढोल नगाड़े बंद कर दिए। ये दृश्य देख और शाम भक्तों की ऐसी पहल देखकर नमाजी इतने गदगद हुए, इतने प्रसन्न हुए कि शाम भक्तों की इस यात्रा पर फूल बरसाने लगे, जिसका वीडियो अब तेजी से सुर्खियों में आ रहा है। कहाँ का है ये मामला और कहाँ से जा रही थी ये पद यात्रा, वो बताएं उससे पहले आप एक बार फिर से जरा ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल माह रमजान के पहले जुमे के दौरान राजस्थान राज्य के जयपुर में दोनों समुदायों के बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया। जयपुर के जोहारी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के दौरान उसी के आगे से एक खाटू श्याम जी की पदयात्रा निकल रही थी, जिसके मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जुमे की नमाज देखकर पदयात्रा में शामिल भक्तों ने अपना डीजे और ढोल नगाड़ा बजाना बंद कर दिया। जामा मस्जिद के दरवाजे के बाहर दोनों ही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रमजान और खाटू श्याम की पदयात्रा की बधाइयां दी। हालांकि अब ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से ही दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे की और इस दृश्य की खूब तारीफें कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद DCP नॉर्थ राशि डोंगरा सहित कई अधिकारियों ने इस दृश्य की खूब तारीफें की, बेहद सराहना की। दोनों समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस तरह से ऐसा अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा देखने को मिला है, इसी तरह से लोगों को हमेशा साथ रहना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो हर बार हम कई ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें दो समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी रंजिशों के चलते तकरार हो जाता है, बात कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई और मारपीट तक मामला पहुंच जाता है। लेकिन इस दृश्य ने, जब से ये दृश्य सुर्खियों में आया है, बेशक कई लोगों के मन में अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है और वहीं जो वहम थे उन लोगों के मन में, अब वो वहम भी ज़रूर दूर होंगे, क्योंकि ये दृश्य, ये वीडियो एक प्रतीक है एकता का। फिलहाल अब इस खबर पर और जो ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, इस वीडियो पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VK News। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।